हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो। तो देखिए मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है। आज मैं 10 रुपीज़ के अंदर मेकअप करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी जॉय स्किन फ्रूट्स मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम। ये बहुत ही अच्छा एक क्रीम है। 10 रुपीज़ में एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं इसको पहली बार अप्लाई करके देख रही थी कि ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए एंड स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ गार्नियर फेयरनेस सीरम क्रीम, ये भी बहुत अच्छा है। इसकी भी प्राइस है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ में आपको कोई फाउंडेशन तो मिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने इसको अप्लाई किया है। ये एक फेयरनेस क्रीम है, तो इसको ही अच्छे से अप्लाई करूँगी पूरे फेस पे। इसकी जो स्मेल भी है वो भी बहुत अच्छा है। 10 रुपीज़ में इससे ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड लूज़ पाउडर नहीं मिलेगा 10 रुपीज़ में, इसलिए मैं पॉन्स की जो लूज़ पाउडर मिलती है उसको ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से सेट कर ली हूँ। अब 10 रुपीज़ में काजल मिला है मुझको, उसको मैं आईब्राउज पे पहले अप्लाई करूँगी फिल करने के लिए। एंड देन मैं उसको आईलाइनर के जैसा अप्लाई करूँगी एंड लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी अच्छे से। ये इतना हल्का है कि मैं 2-3 बार करके इसको अप्लाई कर रही नहीं थी ताकि थोड़ा सा डीप लगे, क्योंकि एक इसकी जो ये एक बार अप्लाई करने के बाद अच्छे से दिख नहीं रहा था, इसीलिए मैं 2-3 बार करके अप्लाई कर रही थी ताकि थोड़ा दिखे। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, इसकी जो प्राइस है वो भी 10 रुपीज़ है। लिपस्टिक तो ऐसा है कि मतलब इसको घिस घिस के लगाना पड़ रहा था, इसकी कलर तो एकदम नहीं आ रहा था। एंड 10 रुपीज़ के अंदर बिंदी मिला है मुझको, इसकी ये है 5 रुपीज़ का। एंड देन ये है मेरा फाइनल लुक, उतना भी बुरा नहीं लग रहा है। 10 रुपीज़ में मेकअप मतलब ओ माय गॉड, कुछ ऐसा तो नहीं कि एकदम बकवास लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। 10 रुपीज़ में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही अच्छा है मेरे ख्याल से। एंड देखिए आप सबको मेरा लुक आप सबको कैसा लगा एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में मेरी ये वीडियो आप सबको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।